नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया से मैं धनबाद से शौकत खान। अभी कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ झरिया में एक जमींदोज जो पिता पुत्र की जमींदोज हो गई थी, उसकी पुनर्वृत्ति आज शुक्रवार की सुबह को देखने को मिला, जो कुसुंडा एरिया के परियोजना विश्वकर्मा परियोजना के समीप जो कि लगभग 20 फीट नीचे जमीन में एक महिला जमींदोज हो गई, जो कि शौच करने के लिए अहले सुबह यहाँ आई थी और उसको जो है कि घुस जमींदोज होते हुए खुद उसकी पुत्री ने देखी और काफ़ी चिल्लाई, लेकिन बचाव कार्य नहीं हो सका, जिसके चलते वो काफ़ी नीचे चल गई और काफ़ी लोग यहाँ पे जुट गए, लेकिन किसी तरह से उसे नहीं बचा पाया। लास्ट अंतिम में रेस्क्यू टीम ने पहुँच कर यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा उसे उसके शव को बाहर निकाला गया और मुआवजे के लिए परिजन जो है गुहार लगा रही है। धनबाद के झरिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक महिला सुबह शौच के लिए निकली थी, अचानक जमीन धंसने से जमीन दोज हो गई और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से उसकी मौत हुई है। साथ ही घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ऐसे मामले यहाँ पर आए दिन होते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये घटना प्रशासन की लापरवाही भी मानी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक महिला की पहचान कल्याणी देवी के रूप में हुआ है, उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगभग 4 घंटे के मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला गया। महिला लगभग 20 फीट नीचे चली गई थी। जिस स्थान पर जमीन दोज हुई उस स्थान पर भारी मात्रा में गैस लीकेज भी हो रहा था। शव पूरी तरह गैस लीकेज की वजह से फूल चुकी थी। जा रहे थे तो हम बोले मम्मी हम आगे चल रहे, तुम धीरे धीरे आओ। फिर मम्मी एक पेड़ आगे बढ़ाए तो घुस गए और हाथ निकाल के हमको चिल्ला रहे थे। हम फिर पापा बोला, फिर पूरा मोहल्ला दौड़ के आया, फिर ये मम्मी घुस गई और सबको रस्सी पे गिरा। मम्मी बोली कि हमको बचाओ हमको बचाओ, तब ये मम्मी और अंदर घुस गए, बेहोश हो गई। धनबाद से शौकत खान की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।